Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science of truth, a study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप सबको इस सतोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ और मैं राइटर हूँ तो मैं लिखता रहता हूँ और मेरी चार नई पुस्तकें और आने वाली हैं और मैं कैसे लिख रहा हूँ उसका भी मैं सीक्रेट बता देता हूँ। मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, आई डोंट डू एनी गोस्ट राइटिंग, मैं डिक्टेट भी नहीं करता हूँ एंड आई राइट। मेरा एक पैटर्न में लिखता हूँ मैं कि सुबह 3 घंटा, रात में 3 घंटा, ऐसे करके मैं लिखता हूँ। तो चार नई पुस्तकें आ रही हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए आज के टॉपिक से, हमने कभी पश्चिम को समझा नहीं है भारतीयों ने। मैं इंडियन अमेरिकन्स की भी बात कर रहा हूँ और NRIs की भी बात कर रहा हूँ जो दूसरे देशों में रहते हैं, और हम पश्चिम को समझा भी नहीं सकते अपने बारे में। आप इस कोशिश को भी छोड़ दीजिए कि आप समझा सकते हैं, आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस नंबर्स पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको अपना व्यू पॉइंट समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आने वाला। और जितना आप समझाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो आपको नीचे दृष्टि से देखेंगे, उतना ही समझेंगे आपको। उनको लगता है कि आप गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है, उनके मन में जो सुप्रीमेसी का जो ख्याल है इतना बैठा हुआ है कि वो आपको कुछ समझते ही नहीं है। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी नेटिव इंडिजिनस ओरिजिनल, पहली बात तो इंडिजिनस हमको बोलना बंद कर देना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में और कोई शब्द नहीं है, मतलब मूल निवासी, वो मूल निवासियों को समझते ही नहीं है। उनके मन में फैला हुआ है कि जो उनका अब्राह्मिक कल्चर है, क्रिश्चियन कल्चर है, वो मॉडर्न है और वही दुनिया में शांति ला सकता है, वो मानते हैं। लेकिन हमको इतिहास मालूम है कि जहाँ जहाँ अब्राह्मिक कल्चर जाता है वहाँ वहाँ दंगा फसाद, वहाँ वहाँ लोगों को हत्या, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, वो सब फैल जाता है। भारत में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा क्राइम रेट अब्राह्मिक सोसाइटीज़ में ही है, बाकी जगह कम है, रिलेटिवली कम है एज द पर 1000 पॉपुलेशन। मैंने आपको पिछली बार बताया था, रेट पे आप कैलकुलेट करिए, एब्सोल्यूट नंबर्स मत करिए, रेट पर आते हैं, रेट ऑफ क्राइम पे, तब आपको वास्तविक सिचुएशन पता लगती है। नाउ क्यों नहीं ये समझ सकते, इसका बाद आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरी पुस्तक को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें मैंने सारा डिटेल्स लिखा है, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ कि वो इसलिए ने आपको नहीं समझ सकते और समझना नहीं चाहते क्योंकि उनके जो रिलीजन सिस्टम है, उसमें जो चर्च जो सिस्टम है, वो एक रोमन एम्पायर के जैसा बैठा हुआ है और उसमें जितने भी मूल निवासी हैं, हिंदू मूल, सारी हिंदू मूल निवासी हैं, क्योंकि हमारा कल्चर जमीन से कनेक्टेड है, आकाश से कनेक्टेड है, पानी से कनेक्टेड है, हवा से कनेक्टेड है, वो हमको इन्फीरियर मानते हैं उनकी फिलॉसफी के द्वारा। हमको ज्यूज भी नीचा मानते हैं क्योंकि हम जेंटिल्स हैं या उसके भी नीचे हैं, और ये लोग भी हमको इतना नीचा मानते हैं बिकॉज यहाँ पर हम लोग एक साधारण या जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, इसलिए ये इसे ऐसा मानते हैं। दूसरा मेन कारण है तो क्रिटिकल फेथ थ्योरी, मतलब ये वर्ड मैंने दिया है, मतलब हमारा फेथ आपके फेथ से बेटर है, ये इनका मानसिकता है। हम मैंने आपको पहले बताया कि जब आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो वो सोचते हैं कि आप गिड़गिड़ा रहे हैं। ये भारतीय फॉरेन पॉलिसी में और हर जगह ये भी बहुत बड़ी गलती है और हमारे स्कॉलर्स की भी बहुत गलती है, लेटेंस मीडिया की भी बहुत गलती है। आपने गार्जियन का रिपोर्ट देखा होगा, उन्होंने भारतीयों को हायर करके भारतीयों पर प्रहार किया। क्यों किया? अगर खुद बोलेंगे तो इट विल बिकम वाइट वर्सेस ब्राउन और वाइट वर्सेस ब्लैक, तो उनकी दृष्टि में आ जाएगा रेसिज्म,
लेकिन उन्होंने ब्राउन ऑन ब्राउन किया, मतलब जिनका रंग हमारे जैसा है, तब तो वहां पर रेसिज्म की बात ब्लेम नहीं आएगा इनके ऊपर। तो रेस रेसिज्म को छुपाने के लिए क्रिटिकल फेथ थ्योरी का यूज किया जाता है। एक्चुअली मेन थ्योरी क्रिटिकल फेथ थ्योरी है कि हमारा धर्म, हमारा मत, हमारा जो पंथ है वो आपके पंथ से सुपीरियर है। वो तीनों के तीनों अब्राहमिक फेथ लड़ते रहते हैं आपस में, आपको मालूम ही है, ज्यूज और अरब और मुसलमान क्रिश्चन, ये सब तीनों आपस लड़ते रहते हैं। लेकिन भारतीयों के विरुद्ध या नेटिव पॉपुलेशन के विरुद्ध तीनों यूनाइटेड है। टर्की जो है एक शमन देश है, मतलब हिंदू देश था, उस पर इस्लाम ने ऑक्यूपाई कर लिया ऑटोमन एम्पायर के रूप में, और इसलिए अब वो शमन नहीं रहा, जबकि उनके सारे नाम शमन वाले हैं, मतलब हिंदू वाले नाम है। कान, कान एक सेंट्रल एशिया का नाम है, उनके फेडरल प्लेन का नाम है, उसका मतलब होता है भेड़ चरवाहा, वो एक फेडरल प्लेन का नाम रखा है उन्होंने। तो नाम सारे इनके जो नेटिव वाले हैं, लेकिन ऑक्यूपेशन है सेम मिडिल ईस्ट पे ऑक्यूपेशन है, नेटिव पॉपुलेशन सारी दबा दी गई। यूरोप ऑक्यूपेशन है, यूरोप में सामी लोगों को दबा दिया गया, इसलिए क्योंकि नेटिव पॉपुलेशन वालों को बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल, नेशन, अ नेशन मीन्स ए कंट्री ऑफ नेटिव्स, इसीलिए नेशनलिज्म इज बैड। तो जब आपको वेस्ट अटैक कर रहा है हिंदुत्व नेशनलिज्म भारत का, तो वो ये बोल रहा है कि आप कैसे ऊपर उठ सकते हो, आप कैसे ऊपर उठ सकते हो, आपको तो नीचे रहना चाहिए, आपको तो हमारी बात सुननी चाहिए, आपको तो हमारे से गिड़गिड़ाना चाहिए कुछ कुछ मांगने के लिए, जैसे उन्होंने अफ्रीका को मोहताज करके रखा हुआ है। 14 कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में फ्रांस की जो स्ट्रेंथ है, पूरी मिलिट्री पावर है, वो अफ्रीकन मनी पे बनी हुई है। वो लोग ऐसे बड़े बड़े हैट पहन के घूमते हैं, अच्छे फैंसी सूट्स में घूमते हैं, लेकिन किसी के तो कपड़े उतारे हैं ना, जिसलिए वो ऐसे घूमते हैं, या को समझना चाहिए। तो पूरा का पूरा फ्रेंच वेल्थ इज कमिंग फ्रॉम अफ्रीका, जिस तरह ब्रिटिश का वेल्थ केम फ्रॉम इंडिया, लेकिन फ्रेंच डोंट लाइक अफ्रीकन्स। आपने देखा ही होगा कि किस तरह फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन जाके बदतमीजी से बात करता है अफ्रीकन लीडर्स के साथ, लेकिन अफ्रीकन लीडर्स तो फ्रेंच में ही बात करते हैं, सुनते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि यूके, अभी तो वहां पे हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, दे डोंट लाइक हिम, लेकिन यूके का जनरल पॉपुलेशन डजंट लाइक, यूके का जो जनरल पॉपुलेशन है डजंट लाइक हिंदूस, इसलिए उनको इस्लामी एक्सेप्टेबल है, लेकिन हिंदूज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इस्लाम उनका एक कजन फेथ है। हिंदूज उनका नेटिव पॉपुलेशन है, इसलिए उसके अगेंस्ट है। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं, मैं आरटीजे में गया था लॉस एंजलिस में रिसेंटली, और वहां पे मैं एक जोबा विटनेस से लोगों को मिला। वो औरत अंग्रेज औरत, मतलब अमेरिकन औरत, अंग्रेज मतलब ब्रिटिश ओरिजिन अंग्रेज, हिंदी में बात कर रही थी सलवार कमीज पहन के, और जोबा विटनेस थी, और वो ये बोलने आई थी हम कन्वर्जन नहीं कराना चाहते, हम अपने धर्म के बारे में बताना चाहते। कन्वर्जन हुआ ना, क्यों कर रही है वो? क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि आपको रहने की परमिशन नहीं है, आपको मुझे पृथ्वी पे चाहिए ही नहीं, ये माइंडसेट होता है इन लोगों का। और आपसे कितना भी गले लगा ले, कुछ भी कर ले, इनका ये माइंडसेट चेंज होने वाला नहीं है। अगर ये लोग चर्च में जाते हैं, इसका मतलब ये है कि दे वो आपसे चिढ़ करेंगे ही किसी भी तरह, और ये डिफॉल्ट है, या कहीं भी किसी भी अपने धर्म में जाएंगे करेंगे ही। तो ये रिपोर्ट्स पब्लिश होती रहेंगी, इसको बोलते हैं अट्रॉसिटी लिटरेचर। ये काम आज से शुरू नहीं किया इन्होंने, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क पोस्ट और ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, सो डोंट, आई विल नॉट गिव द एग्जैक्ट कोटेशन बिकॉज आई डोंट रीड देम, बट आई एम जस्ट रिएक्टिंग टू द ट्विटर फीड जो मैं एक्चुअली देखता हूँ। ये लोग पिछले 3-4 साल से लिखना शुरू किए होंगे,
तो रिक्रूटमेंट मस्ट हैव स्टार्टेड 3-4 years बैक, और वही आर्टिकल पब्लिश होता है जो स्ट्रांग हो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया। लेकिन भारत ने कभी ऐसा क्यों नहीं बुलाया कि क्रिश्चियन नेशनलिज्म इज बैड फॉर अमेरिका, ये क्यों नहीं बुलाया? क्रिश्चियन फैसिज्म इज बैड फॉर यूके, यूके शुड नॉट, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है शुड नॉट बो डाउन टू द किंग ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि किंग ऑफ इंग्लैंड रिप्रेजेंट्स द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया गया? तो हम लोग को समझना चाहिए कि वी कैनॉट आंसर देम इन द सेम वे, हम उनको उसी तरह आंसर नहीं कर सकते, वी हैव टू आंसर देम इन ए डिफरेंट वे। हमको आंसर करना पड़ेगा उनके कोर इश्यूज पे। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे पता लगा कल कि नेटिव अमेरिकन्स अमेरिकन इंडियन वर्ड ज्यादा पसंद करते हैं, नॉट नेटिव अमेरिकन्स, है ना, क्योंकि नेटिव अमेरिकन्स में उनकी आइडेंटिटी गायब हो जाती है। अमेरिकन इंडियन जब हम बोलते हैं तो उनकी आइडेंटिटी रिटेन रहती है, क्योंकि नेटिव अमेरिकन तो वो भी हो गया जो इसका जन्म हुआ यहाँ पे, वो भी नेटिव अमेरिकन हो गया, अमेरिकन इंडियन इज अ वर्ड। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे बात किया, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि जब से ये सेटलर्स आए हैं ये हमारे अंदर इन्फिल्ट्रेट करते रहते हैं, चर्च का गॉस्पल लेके, गॉड का गॉस्पल लेके रिजर्वेशंस में आते रहते हैं। इनका काम ये है कि नेटिव जो अमेरिकन इंडियंस का कल्चर और रिलीजन दोनों को गायब कर दिया जाए। अगेन कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, क्रिटिकल फेथ थ्योरी। क्योंकि यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी क्या हो रही है कि अगर लोग हमारे जैसा सोचेंगे तो हम उन पर शासन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ट्वीट किया था कि इवेंजेलिकल्स और ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हेविली फंडेड इन अमेरिका, ये लोग जब जाते हैं, ये जब आपको अपने मत और पंथ के बारे में बताते हैं तो आप फॉरएवर उनके ऋणी हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए जो कन्वर्ट होता है वो ज्यादा फैनेटिक होता है, क्योंकि वो डिफेंड भी कर रहा है अपने आप को, और आपका जो भगवान है वो भारत के बाहर रहेगा, क्योंकि भारत का नहीं है। हमारे रामकृष्ण को वो गाली देंगे वो लोग, एग्जैक्टली वही लोग गाली दे रहे हैं आजकल वेस्टर्न मीडिया में जो कन्वर्टेड है और जो पैसे के बल पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को खरीदा जाता है, जैसे स्किल सेट अच्छा होगा राइटिंग में तो उसको खरीदा जाएगा, तो उसमें बिल्कुल अचंभित मत होइए। उल्टा हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम अपने लोगों को ज़्यादा प्रमोट करें जो धार्मिक बातें करें, जैसे जो व्यक्ति धर्म के से कनेक्टेड है और उसके अनुसार आपको एनालाइज कर रहा है, वी हैव टू स्टार्ट प्रमोटिंग देम। अगर हम लोग दूसरों के प्रमोशन पे हमेशा रहेंगे और रिएक्ट करते रहेंगे देन वी वोंट हैव द फुल सॉल्यूशन, उसका हम लोगों को कोई फायदा होगा नहीं लॉन्ग टर्म में। हमको अपने तरीके से अपनी बात आगे रखनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब एग्जाम्पल्स कोट करें तो भारतीय लेखकों के एग्जाम्पल्स कोट करें, जो भी आपको पसंद है, वो बहुत सारे भारतीय लेखक हैं। भारतीय का मतलब इंडियन नहीं हुआ, भारतीय मतलब जो हमारी संस्कृति से कनेक्टेड हुए लेखक हैं उनके बारे में। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। अभी जब इलेक्शंस चल रहे हैं हर जगह, अमेरिका में भी हैं उधर भी हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि ओपन इंटरफेरेंस अमेरिका कर रहा है थ्रू मीडिया, स्टेट नहीं बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है। मैं और इसका भारत में इम्पैक्ट बहुत होता है, भारत में जो लिखा जाएगा अमेरिका के विरुद्ध में उसका अमेरिका में इम्पैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग भारतीयों की बातें पढ़ने वाले ही नहीं हैं। क्यों? सेम माइंडसेट, क्योंकि वहाँ के लोग ये समझते हैं कि भारतीय या कोई भी दूसरा व्यू पॉइंट इन्फीरियर है, हम सुपीरियर हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। अब ये ह्यूमन राइट्स के बारे में तो मालूम ही आपको कि अमेरिकन स्टेट पॉलिसी में ह्यूमन राइट्स के आड़े में इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, वो मॉडिफाई करती हैं, किस लिए? ताकि लोगों का धर्म प्रवर्तन हो और फिर उसके बाद उनके ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंस उनकी बनाई जाए
इनके ऊपर। जैसे आप कन्वर्ट होते हैं उसके बाद आपके थ्रू ये इंटरफेयर करते हैं इकोनॉमी में और फिर पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। इसलिए कोई भी साउथ अमेरिकन कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई साउथ कोरिया भी इंडिपेंडेंट नहीं है, साउथ कोरिया भी पूरा इसी प्रॉब्लम में घुस चुका है, और फिलीपींस एक कॉलोनी है एशिया में ऐसे, और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट बिका हुआ है ना इसी चक्कर में, क्योंकि इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पे, थॉट इंडिपेंडेंस नहीं है। वहां के लोग अपने आप को बोलते हैं कि वो इस्लामिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोग कैपिटलिज्म के स्टूजेस हैं, वो अमेरिकन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, उनके सारे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। और एक और बात, अभी जो अमेरिकन कैंपसेस की बात आई है उसमें मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तो अमेरिकन कैंपसेस जो होते हैं जब आपको एजुकेशन के लिए लोग बुलाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा देते हैं, उसका मेन पर्पज़ होता है इकोनॉमिक इनकम, इनकम मेन पर्पज़ होता है। तो चाइना से आते हैं, इंडिया से आते हैं, लोन्स लेकर आते हैं, और जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पर टू गेन एजुकेशन। जब आप यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं तब यहाँ पे आपको वेस्टर्न रिलीजियस सुप्रीमेसी आपके मन में डाली जाती है। मेरा बच्चा भी किसी यूनिवर्सिटी में जाने वाला है और मैं चिंतित भी हूँ उसमें, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। घर में तो संस्कार दिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो वहां पे आपके मन में डाउट्स डाले जाते हैं कि हिंदू बैकवर्ड है, हिंदू जो है वो उसके बाद ओपन थिंकिंग नहीं है। जब तक कि वो वेस्टर्नाइज नहीं होगा, हमारे जैसा नहीं सोचेगा, तब तक उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी उसको, उसको कुछ चीजें हमारे जैसी फॉलो करनी पड़ेंगी ना। वो वैसे ही हो गया, जब आप हिरण्यकशिपु के घर में रहेंगे तो आपको हिरण्यकशिपु की आदतें लेनी पड़ेंगी, तो वैसे ही है। और जब तक आप उस तरह से नहीं रहेंगे तब तक हिरण्यकशिपु आपको यातना देता रहेगा। और उल्टा प्रहलाद उसके विरुद्ध है, प्रहलाद हिरण्यकशिपु के विरुद्ध जाते हैं, तब उनकी रक्षा करते हैं हमारे नरसिंहदेव, है ना। ये हमने सुना है, भागवत पुराण की कहानी है, काफी शास्त्रों में, नरसिंह पुराण में भी है। तो ये स्टोरी हमको बताती है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अपने बच्चों को हम लोग जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं और तब यहाँ पे हम भेजते हैं, तब हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो अगर आप कैंपस, अमेरिकन कैंपस में जाएंगे, जितने भी पैलेस्टीन कॉन प्रोटेस्ट हैं, ये सब प्रोटेस्ट हैं, ये सब अमेरिकन डीप स्टेट ही फंड कर रहा है। वो चाहता है कि अमेरिका में थोड़ा सा एनार्की हो, ताकि वो लोग अपना ग्लोबलिस्ट एजेंडा को आगे करें। ग्लोबलिस्ट एजेंडा क्या है? फेथ सुप्रीमेसी, यही ग्लोबलिस्ट एजेंडा है। पहले था, लोग गए कॉलोनाइज किया, लैंग्वेज चेंज करी, और उसके बाद रिलीजन दे दिया और पैसा कमाया। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग चर्च में जाना बंद हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिज्म को भूलते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमेरिका की सब पश्चिमी देशों की, यूरोपियन देशों की चालें समझ रहे हैं। अब नया एजेंडा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। व्हाट इज़ द एजेंडा? वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट। उसमें क्या है, वन गवर्नमेंट किसकी रहेगी? इंडस्ट्रीज की, वेस्टर्न इंडस्ट्रीज की। मतलब हमको कोई भी नेशनलिज्म नहीं चाहिए, कोई आपकी जमीन पे गर्व नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप एक कमोडिटी है, आप हमारा दिया हुआ धर्म पालन करें, हमारा दिया हुआ रिलीजन पालन करें, हमारा दिया हुआ इकोनॉमिक पॉलिसीज में रहें, आप जॉब्स करें, बस ये। जॉब्स का मतलब ये है, इतना सा दो ताकि लोग उसमें खुश रह सकें, और उसके बाद अगर उनको ज़्यादा चाहिए थोड़ा और जॉब करो, मेहनत करो, तो यू बिकम द परमानेंट रिसोर्स फॉर द एंटरप्राइज। ये है ग्लोबल स्ट्रेटेजी, कॉलोनाइजेशन इन ए न्यू वे। उसके लिए यूनाइटेड नेशंस यूज किया गया।
इसलिए मैंने लिखा था भारत की सभी एंशियंट साइट्स यूनेस्को के अंडर नहीं रहनी चाहिए। भारत अभी सक्षम देश है, पैसा है। दुनिया में भारतीय कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया, वो पूरी दुनिया की साइट्स मेंटेन करनी चाहिए। उसके लिए बाकी दुनिया से टैक्स भी ले सकते हैं, मेंटेनेंस टैक्स। जिस तरह भारत का शिप रिपेयर फैक्ट्रीज दूसरों का शिप्स रिपेयर करता है एट ए कॉस्ट, ऐसे ही हम पूरे दुनिया की कल्चरल साइट्स मेंटेन करें, बिकॉज हमको वो सारी कल्चरल साइट्स हमारी हैं, सनातन धर्म की हैं। अभी वो क्रिश्चियंस के अंडर दब रही है, क्योंकि उनको नहीं चाहिए वो जगह, हम लोगों को चाहिए। तो मेरी बुक में तो मैंने प्रूव भी किया है, अभी दूसरा पार्ट भी आ रहा है ओरिजिनल एटलस का, कि ये सारी दुनिया की जो साइट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया के अंडर होनी चाहिए, यूनेस्को की नहीं होनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उससे भारत को बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट वो गवर्नेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव्स के ऊपर ही काम करते हैं। वो लोग लिप सर्विस देते हैं इंडिजिनस पॉपुलेशन पे, उस पर लिप सर्विस देते हैं, कुछ काम नहीं किया जाता। यूनाइटेड नेशंस की आड़ में वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज रिजिम चेंजेस करती हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे अफ्रीका में रिजिम चेंज हुआ, वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की आर्मीज गई, वॉर पहले क्रिएट किया, फिर वहाँ की आर्मीज गई, और उसके बाद स्टेलमेट, चोरी वैसी की वैसी चल रही है ना। बहुत सारे स्टेट्स का, कॉन्गो का एग्जाम्पल है, और भी अदर स्टेट्स, अभी तो कुछ रिबेल भी कर रहे हैं बुर्किना फासो, बट ये एग्जाम्पल्स हैं। तो देर आर मैनी फैक्टर्स वर्किंग अगेंस्ट, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, तो आपको आज की जियोपॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी। आज की जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है, आज की आसुरिक है राजनीति, जो राजनीति तो क्या बोलेंगे, पॉलिटिक्स ही बोलेंगे, तो वो आज जो चल रही है वो एक तरीके से मनुष्य समाज को डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर जा रही है। तो ओनली सॉल्यूशन इज भारतीय संस्कृति। अच्छा, आपने एक और बात सुनी होगी इलेक्शंस पे, तो बाकी लोगों ने बहुत अच्छे शोज किए हैं, आप देख सकते हैं ऑन यूट्यूब पे किस तरह उन्होंने समझाया है, किस तरह जो भारत का इंडिया अलायंस है किस तरह फॉरेन एजेंडे पे काम करता है। ये एजेंडास कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं? ये एजेंडास क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर अमेरिका में क्रिएट हो रहे हैं, और वो प्रोपगेट भारत में क्यों किया जा रहा है? बिकॉज उनको मालूम है कि भारत की यंग पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, और अगर वहां पर इलेक्शंस में इंटरफेरेंस में सक्सेसफुल हो गए तो उसके बाद, और डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो कोई ब्लेम नहीं कर सकता यूएस गवर्नमेंट को, सारे एजेंसीज के थ्रू हो रहा है। अगर वो चेंज हो गया गवर्नमेंट, अपनी उनकी गवर्नमेंट बैठ गई, तो भारत को वो वापस 40 साल पीछे ले जाएंगे। इनफैक्ट डिस्ट्रक्शन का प्लान है, भारत का डिस्ट्रक्शन का प्लान है, ताकि हिंदू या हिंदू मानसिकता या सनातन धर्म ऊपर ना उठे। सनातन धर्म से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और ये सब गवर्नमेंट में खतरा है। और आप सोचेंगे कि ये तो पहले से निर्धारित भी होगा, ये मैं मानता हूं, ये कलयुग का समय है, और कली महाराज को भी यहाँ पे उनकी लीला करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो इस पृथ्वी पे इस समय पे आना चाहती हैं एंजॉयमेंट करने के लिए। तो उनके अनुसार वातावरण होना चाहिए ताकि वो आ सके। आ भी रही है, पश्चिम में आ रही है, भारत में भी आ रही है, लेकिन अभी जो पीरियड चल रहा है वो गोल्डन पीरियड है सत्ययुग कलयुग का, कलयुग का। तो यहाँ पे थोड़ा सा धर्म अभी आगे बढ़ेगा अगले 10,000 साल तक। 10,000 साल कुछ नहीं होते हमारी साइक्लिकल टाइम गणना में, कुछ नहीं होते, आगे बढ़ेगा। इसीलिए चेतु दर्पण मार्जनम बब दावाग निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्र का वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मना स्नपन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और ये श्री कृष्ण संकीर्तन इस कलयुग को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखेगा। जो भी इसका नाम लेगा हरि नाम का, वो थोड़ी देर के लिए कलयुग रुक के रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये कलयुग का टाइम है। कल के अवतार भी आने वाले हैं, तो इसलिए कलयुग जो है
आगे बढ़ेगा। तो इस समय हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, अभी आपको बहुत चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि आप कभी भी इसको फेथ से डिस्कनेक्ट मत करिए। अल्टीमेटली चर्च ही चल रहा है, एक डीप स्टेट है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, और दूसरा जो है इवेंजेलिकल मिशन है, रोमन एम्पायर है वो कैथोलिक चर्च है। तो रोमन एम्पायर वर्सेस डीप स्टेट, एक पूरा पैसे के लिए काम करता है, दूसरा जमीन हड़पने के लिए काम करता है, ठीक है, और तीसरा उसका काउंटर है मिडिल ईस्ट में इस्लामिज्म का, जो खलीफत खिलाफत और खलीफत है उसको पश्चिम में खत्म कर दिया है। तो तीन में से एक क्यों गया, अब दो बचे हुए हैं, इनके बीच की लड़ाई है, वो भी धीरे धीरे जो है डीप स्टेट जीतेगा जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के थ्रू चलता है। आप इसको फेथ से डिस्कनेक्ट कभी मत करिए, ये फेथ बेस्ड ही है पूरा। इसलिए मैं लिखता हूं अपनी बुक में शब्द फेथ बेस्ड कॉलोनाइजेशन। ये कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड जो है वो फेथ के बेसिस पे चल रहा है, और भारत को तोड़ने की जो तैयारी है वो कंप्लीटली नाकामयाब होगी, बिकॉज उसका एक रीजन है, भारत इज द राइट नाउ मेंटेनिंग देयर इंडस्ट्रीज राइट नाउ, जो भारत के कंज्यूमर है। लेकिन हमको बात बड़ी सोच समझ के सुनिए मेरी बात, जो वो करना चाह रहे हैं उसी व्हीकल को आप भी यूज कर सकते हैं। हम जैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, तो उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करके हम सनातन धर्म की वैल्यूज पश्चिम में ला सकते हैं, जो एक थर्ड कैटेगरी बन जाएगी हमारे लिए, जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा भी करेगी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस एरिया में, और होलिस्टिक लाइफस्टाइल, योग लाइफस्टाइल इज द थर्ड ऑप्शन अवेलेबल इन द वेस्ट नाउ, और दैट इज ए बिगर, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग पॉपुलेशन। 1/3 ऑफ द वेस्ट, अमेरिका और यूरोप, इज ए योगी पॉपुलेशन, होलिस्टिक पॉपुलेशन, एंड दे आर वेरी मच इन द ट्राइंग टू बी इन द सत्वगुण, दे आर वीगन पॉपुलेशन, जीव हत्या के विरुद्ध है। लेकिन वहां पे इमोशनली सरचार्ज करके, जैसे कि पैलेस्टाइन के ऊपर इमोशनली सरचार्ज किया, वो भी डीप स्टेट का ऑपरेशन है इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के थ्रू। उससे क्या होता है मैं बताता हूं आपको, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन होता है। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन में जो लेफ्ट है, जिसको हम लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट मतलब वन विच अपोजेस द गवर्नमेंट, उसको लेफ्ट बोलते हैं, क्लासिकल लेफ्ट डेफिनेशन है वो एनर्जाइज होता है, उसके थ्रू पॉलिटिकल सिंपैथी डेवलप की जाती है, और वो पॉलिटिकल सिंपैथी के बेसिस पर वोट्स कलेक्ट किए जाते हैं। उसको अपोज करता है राइट विंग, अमेरिकन राइट विंग, जहाँ पे चर्च वाला राइट विंग है, अमेरिका का राइट विंग चर्च है, चर्च अपोज करता है, उससे उसके मेंबरशिप बढ़ती है, समझ रहे हैं आप, दोनों साइड में खेल रहा है, दोनों वही पे हैं, एक प्रोटेस्टेंट है और दूसरा भी प्रोटेस्टेंट है ना? तो और मूर्ख कौन बन रहा है जिसको ये सब चीज़ समझ में नहीं आती है, और तो कोई थर्ड ऑप्शन है नहीं, बट यस देर इज अ थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज अ योग, रामायण महाभारत सनातन धर्म कल्चर, उसके विरुद्ध ये सारी शक्तियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये समझिए आप, आपको ये विदाउट एनालिसिस आपको समझ में नहीं आएगा ये, इसीलिए अगर आप रामायण बुद्धि महाभारत बुद्धि नहीं लगाएंगे ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है धर्म युद्ध की लड़ाई में बहुत सारी मायावी शक्तियां काम करती हैं, जो आपके सामने पर्दा बन के बन जाती है, आपको पता नहीं लगता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ना? वहाँ पे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र काम करता है। तो सुदर्शन चक्र हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास भगवान कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, आज हनुमान जयंती भी है जब मैं शो कर रहा हूँ, तो हनुमान जी का नाम लेके, भगवान राम का नाम लेके आप इस मायावी शक्ति के बीच में से देख सकते हैं और अपनी रक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। तो पश्चिम को समझिए, हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं हमारे, मतलब दुश्मन मतलब क्या होता है, जो हमारे मन से हमारे विरुद्ध सोचे,
शत्रु होता है जो शस्त्र के साथ छोड़ते सोचे, तो पहले व्यक्ति दुश्मन बनता है, बाद में शत्रु बनता है। तो जो दुश्मन है उनको समझिए, शत्रुओं को तो हम देख लेंगे, शस्त्रों से देखना है ना, वो देख लेंगे। मैं उसके मेरा एक अलग शो आने वाला है, भारतीय सोल्जर से बढ़िया कोई सोल्जर नहीं, वो मैं देख के बता रहा हूँ। मैं अमेरिका में मरीन्स के मेरे बहुत सारे मरीन दोस्त हैं, सभी बता देंगे आपको। तो मैं अमेरिकन सील को लेकर आऊँगा और इंडियन मरीन को लेकर आऊँगा, कमांडो को लेकर आऊँगा। तो ये समझिए, आज का शो सिर्फ इतना ही था, पश्चिम को समझिए और गुमराह मत होइए। आप अपनी सनातन धर्म पे निष्ठा को छीण मत करिए, बढ़ाइए और इसको समझकर और भी ज़्यादा प्रयत्न करिए, ताकि सोशल मीडिया पे ऐसा ना हो कि आपको गुमराह कर दिया जाए और हम भारत को वापस एक कमज़ोर स्थिति में लेकर आ जाए। इसलिए जो इस समय जो भी चुनाव चल रहे हैं इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे सोशल मीडिया आपको इधर उधर की बात करेंगे। हम लोग पॉलिटिकल नहीं हैं, हमारा काम है शास्त्रों पे बात करना और हम शास्त्र के अनुसार ही विश्लेषण कर रहे हैं। तो आप इसको समझिए और इसके साथ आप मन में विश्वास भी बनाइए कि जब तक हम धार्मिक दृष्टि से सोचेंगे तब तक हम कोई गलती नहीं कर सकते। आज के लिए, इस शो के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। मैं थोड़ा काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता हूँ क्योंकि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स रहते हैं मेरे पास, बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड लाइकिंग आवर वीडियोस, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दुनिया को सत्तोलॉजी के बारे में बताइए। हम लोगों को सपोर्ट करिए ताकि हम आपके पास और भी अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हनुमान।